हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे किचन एशियन रेसिपी में। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन की सबसे फेवरेट रेसिपी, चिकन टिक्का रेसिपी, वो भी मार्केट स्टाइल। जैसे कोयले की खुशबू आती है उसमें से धीमे धीमे आंच पे पकता है, इसी तरीके से हम घर में बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन, उसे धोकर साफ़ कर लिया है। उसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और दही डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ढक कर के आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो अपने भोजन में चिकन को ज़रूर शामिल करें। चिकन में फैट की मात्रा बहुत कम होती है, इसे ढक कर हमने रख दिया है। और ये दूसरा मसाला हम तैयार करेंगे, तो यह हमने लिया है कश्मीरी मिर्च, कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा हमने भुना हुआ जीरा और काली मिर्च लिया, इसे पीस लिया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और एक कसूरी मेथी है जिसे थोड़ा सा गरम कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे और पिसा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और ये हमने कसूरी मेथी लिया है, हाथ से मसलते हुए इसे पाउडर बना के डालेंगे। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये हैंग करी हुई दही है, टंगी हुई, इसका पानी सारा निकल गया है। चिकन हमने जो रखा था उसमें से चिकन हम डालेंगे। और ये लेमन जूस है, इसे भी डाल देते हैं। और सरसों का तेल डाला है हमने थोड़ा सा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और ये हमारे मसाले देखिए कितनी अच्छी तरीके से लग गए हैं चिकन के ऊपर। और अगर टाइम हो तो इसे भी आधे घंटे के लिए रख दें, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये हमने एक ग्रिल पैन लिया है और उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, और इसे तेल को गर्म होने देंगे। फिर इसमें अपना चिकन हम डालेंगे, मसाला लगा के रखा हमने। जो तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, फ्लेम हाई रखेंगे हम शुरुआत में, जिससे चिकन के ऊपर एक अच्छी लेयर बन जाए और चिकन पानी ना छोड़े अपना, इसकी लेयर सील हो जाए। तो ये हमने सारे चिकन डाल दिए हैं और इसे कुछ देर ऐसे ही पकने देंगे, फिर इसे पलट लेंगे। एक तरफ से हमारे चिकन की लेयर सील हो गई है और भुन गया है, थोड़ा थोड़ा लेयर बन गई है, अब इसे पलट देते हैं। और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही 2-3 मिनट पका लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से हमारे चिकन पे एक अच्छी लेयर बन गई है, इसे अब ढक देंगे और ढक करके इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। और ये लिया है हमने एक कोयला, इसे गैस पे रख देंगे गरम करने के लिए, इसे बिल्कुल लाल कर लेना है। 20 मिनट हो गए हैं, ये हमारा चिकन अच्छी तरीके से पक गया है। इसका ढक्कन खोलेंगे और इसमें जगह बनाएंगे और एक छोटी सी कटोरी या प्लेट रखिए और उस पर हमें कोयले को रखना है। तो ये हमने एक छोटी प्लेट रखी है, उसमें कोयले को रखेंगे और ढक्कन बिल्कुल ऐसा बर्तन रखें जो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाए। और इस पर थोड़ा सा घी या तेल डालेंगे और ढक्कन को तुरंत बंद कर देंगे। तो ये हमने डाला थोड़ा सा तेल और इसे ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। ऐसा करने से हमारे चिकन में एक स्मोकी फ्लेवर आ गया है, जो कोयले पर धीरे धीरे भून के जो होता है तैयार, उस तरीके से ये चिकन होगा। कोई कह नहीं सकते कि आपने ये चिकन कोयले पे भून के नहीं बनाया है। तो ये हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार है, इसे 1 मिनट के लिए गरम करेंगे। और ये हमारा चिकन टिक्का बनकर तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।